go. Farah. Janair. कैसे हो तुम? अल्लाह की नियामत है। तुम मुंबई से कब लौटी? बस अभी कुछ ही महीने पहले। यहाँ क्या कर रही हो? और क्या करूँगी, डॉक्टर हूँ यहाँ पे। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब ठीक तो है घर पे? हाँ सब ठीक है, मैं बस ऐसे ही किसी से मिलने आया था। थोड़े बड़े बड़े से लगने लग गए हो अब तुम। लेकिन तुम्हारा बेबी फेस नहीं गया बिल्कुल भी। हाँ कुछ काम वहाँ पकड़ा कि नहीं? कभी घर पे आओ, बहुत मिस करती हैं तुम्हें अम्मी। आता हूँ। नहीं आओगे तो प्रॉमिस। मासी को बोलना कि मैं भी आऊंगी घर पे। वो बड़ी खुश हो जाएंगे तुम्हें देख के। मिलते रहना। हाँ फारा, फारा क्या मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या मदद? मैं यहाँ उमर के साथ हूँ, उमर रियाज पैंथर। लेकिन वो तो मर चुका है जुनैद। वो जिंदा है। वो जिंदा है और इस हॉस्पिटल में है। हाँ लेकिन वो बुरी तरह से जख्मी है, उसे यहाँ से निकालना है इसके पहले कि हिंदुस्तानी आए और उसे मार दें। तुम पैंथर के साथ काम करते हो? मसीहा है वो हम सबके लिए, हमारी आज़ादी के लिए लड़ रहा है, फ़र्ज़ है हमारा हम उसकी मदद करें। बहुत बुरी हालत में है वो, मेटर्निटी वार्ड के फ्लोर पे रखा है उसे, डॉक्टर सोहेल ने सर्जरी करी है। अगर तुम्हारे पास डॉक्टर सोहेल हैं तो तुम्हें मेरी मदद क्यों चाहिए? क्योंकि वो कहता है कि मत ले जाओ उसे यहाँ से, इलाज यहीं पे करना ज़रूरी है। अगर डॉक्टर सोहेल ऐसा कह रहे हैं तो आई हैव टू रिस्पेक्ट हिज डिसीजन। लेकिन यहाँ पे खतरा है, प्लीज़ हेल्प करो मेरी। आई एम सॉरी जुनैद, नो। क्यों? क्योंकि मैं इस सब में नहीं पढ़ना चाहती। अगर उमर को कुछ भी हो गया तो मैं मारा जाऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। फारा प्लीज। ओके सी, लेट मी सी व्हाट आई कैन डू।